मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर की प्रोफेशनल लाइफ तो पहले ही कुछ ठीक नहीं चल रही थी, वहीं अब लीजिए अर्जुन की पर्सनल लाइफ में भी भूचाल आ गया है। ये तो आप जानते ही हैं कि अर्जुन इन दिनों मलाइका अरोड़ा को डेट कर रहे हैं और कहा जा रहा था कि दोनों इस साल अप्रैल में शादी करने वाले थे, लेकिन ये खबरें अफवाह ही निकली। दूसरी तरफ मलाइका भी इन दिनों अर्जुन कपूर की फैमिली के साथ काफी टाइम बिता रही है, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर मुस्कान नाम की वरुण धवन की एक फैन ने मलाइका की तुलना श्रीदेवी से कर दी। मुस्कान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, आप अपने पिता की दूसरी पत्नी से नफरत करते थे क्योंकि उन्होंने एक्ट्रेस के लिए आपकी माँ को छोड़ दिया। अब आप खुद आपसे उम्र में 11 साल बड़ी महिला को डेट कर रहे हैं जिनका एक टीनेज बेटा भी है। आखिर ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों अर्जुन कपूर? वहीं वरुण की फैन को लताड़ लगाते हुए अर्जुन ने करारा जवाब दिया और ट्वीट कर लिखा, मैं किसी से नफरत नहीं करता हूं कुसुम, हमने एक दूसरे के बीच में एक सम्मानजनक दूरी बनाकर रखी थी। अगर मैं नफरत करता तो मैं अपने पिता और जानवी और खुशी के साथ उस समय खड़ा नहीं रहता। टाइप करना और किसी को जज करना आसान है, लेकिन थोड़ा सोचा भी करें। आप वरुण धवन की फैन हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए कि उनकी फोटो को अपनी डीपी पर लगाकर प्लीज नफरत ना फैलाएं। बता दें कि अर्जुन की फटकार लगाने के बाद वरुण के इस फैन ने अपनी इस हरकत के लिए माफी भी मांगी और ट्वीट कर लिखा, अगर मैंने किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाई है तो इसके लिए माफी मांगती हूं। मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं अर्जुन कपूर के सभी फैन से माफी मांगती हूं। प्लीज मुझे माफ कर दें, ये सिर्फ मेरा विचार था। मेरे मन में अर्जुन कपूर सर और मलाइका अरोड़ा मैम के लिए कोई गलत भावनाएं नहीं है। सॉरी अर्जुन कपूर सर। तो देखा आपने, अर्जुन ने इस ट्रोलर की ना सिर्फ वाट लगाई बल्कि उन्हें सॉरी तक बुलवा डाला। बात करें अर्जुन के वर्क फ्रंट की तो हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड को बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। वहीं जल्द ही उनकी फिल्म संदीप और पिंकी फरार और पानीपत रिलीज होने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, अर्जुन ने ट्रोलर को मुंह तोड़ जवाब देकर ठीक किया या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नवीन
रुक जा उधर ही। साइड हो जाओ अंदर। मलाइका जी प्लीज।